तो यहाँ पे वो जो चौथा गुफा के बारे में बता रहे थे वो चौथा गुफा मिला है। सो दिस इज dense, like dense forest. जहाँ चिकना पत्थर मिलता है वहाँ पे एक स्टेप बना हुआ है। तो हम लोग तो पहाड़ से उतर गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर। यह है कि ऊपर जाके काफी मजा आया, पूजा करके भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक चीज यहाँ और घूमने के लिए रह गया, अशोक स्टेप जो था, जिसे कहा जाता है सम्राट अशोक ने इस पहाड़ पर ये गुफा के आसपास आने के लिए बनाया था। कि रात हो गई तो देख पाते कि नहीं, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लैंप नहीं है, कोई लाइट नहीं है, 15 मिनट में पूरे डार्क हो जाने हैं यहाँ पे। काफी लेट हो गए हैं। एक और था अशोक पथ, जिससे अशोक यहाँ पे आए थे, गुफा को जो दान किया गया था, तो उसी पथ पे हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर जंगल से जाने का रास्ता है। शाम के 5:30 बज गया है, अंधेरा हो गया है लगभग, तो हम लोग को तेजी से निकलना होगा। हम लोग को मंदिर से आने में काफी देर हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। सो दिस इज डेंस, लाइक डेंस फॉरेस्ट। पीछे देखो कुछ भी नहीं, दिस इज द वे। यहाँ पर से रास्ता शुरू हो जाता है, यहाँ पर स्टेप बना हुआ है और इसी स्टेप से हम लोग को जाना है। ये अशोक के समय बनाया गया था, अशोक जब यहाँ आए थे तो इसी रास्ता से आए थे, उन्हीं के लिए ये स्टेप बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है आगे देखिए। यहाँ पर भी एक स्टेप है, जहाँ चिकना पत्थर मिलता है वहाँ पे एक स्टेप बना हुआ है। यहाँ पे उस समय तो कुछ और पोजीशन होगा, पर तो आज तो यहाँ रास्ता नहीं बना हुआ। बढ़ते हैं आगे, इतना ऊंचा कुछ तो होगा यहाँ पे चढ़ने के लिए, राजा आ रहे हैं तो कुछ तो आरामदायक होगा, लेकिन इसके बाद स्टेप बना हुआ है। वहाँ पर तो कुछ स्टेप की कमी थी, लेकिन यहाँ से फिर से स्टेप शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, किधर चलना है अंकित? हाँ, नीचे जाने के लिए। ये केव ले आए, गुफा में पिघल के साटा हुआ। हाँ, यही वाला तो था। तो यहाँ पे वो जो चौथा गुफा के बारे में बता रहे थे, वो चौथा गुफा मिला है, यही है। ये हमको ये रास्ता दिखा रहा है कि कहाँ पे क्या क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में कुछ बता सकते हो? अशोक सम्राट ने बनाया, तीन गो नगरजुनी बनाया, जैसे आगे में जो 2 किलोमीटर में दूर में नगरजुनी है, पोता में बनाया, जैसे तीन गो नगरजुनी है, यही तीन गो गुफा है। यहाँ पर भी कुछ लेख लिखे हुए हैं, गाइड तो अभी मेरे साथ नहीं गई, इसके बारे में बताएंगे क्या है, अभी हम लोग ऊपर में देख लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उधर देखिएगा ना, एकदम चिकना लग रहा है, इधर देखिए खनिया लग रहा है, चिकना एकदम चमक रहा है, पिघला के ही साटा हुआ। हाँ, ये भी हाथ रिसेंटली। अच्छा, तो हम लोग यहाँ आ गए, थोड़ा सा छोटा सा एरिया है और अभी पूरा फिनिश भी नहीं हुआ है, अभी फिनिश होने से पहले ये शो रोक दिया गया। हाँ, तो सब अच्छा काम करता है, कुछ देर बाद गायब बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लिए निकलते हैं। देखिए यू पत्थर आयरन है, यू देखिए कितनी गहरी है, इसमें पूरा दम आयरन है, दम बहुत पिघल जाता है ठंडा पानी में रखने से। ठीक, देख लीजिए कितना भारी है, तमनी को पत्थर है। बैलेंस बना के चलिएगा। हाँ हाँ।
5:47 हो चुका है और ये काफी डार्क हो चुका है। चंदा मामा दम सीधे सामने। स्लाइडिंग हाँ। क्या करने पे ढोलक है। अरे ये पहाड़ देख रहे क्या, सेब पे अटका हुआ है। देखिए ये तो बड़ा चट्टान है गोल जैसा और इसका ढलाव है तो नीचे चले जाना चाहिए। ये पत्थर छोटा सा इसको अटकाए हुए है और जैसा सुनने में आ रहा है कि ढोलक जैसा आवाज भी करता है। दोनों हाथों से बजाइए ना। कितना अजूबा चीज है, पर ये हमें अंकित ने हमको बताया कि ये क्या चीज है, ये तो हम लोग तो जान भी नहीं पाते। हाँ। बस यही जानते कि एक गोल सा पत्थर है जिसको ये अटकाए हुए, पर इसका खूबी तो कोई नहीं जानता होगा। जैसे ये पत्थर भी है, ये पत्थर भी है, कोई आवाज नहीं करता है। उस पत्थर में खूबी है कि वो आवाज करता है ढोलक जैसा। वो मंदिर है सामने जहाँ थोड़ी सी रोशनी है, बाकी तो प्योर डार्क ही डार्क है। और ये वो पहाड़ जिसपे भी ढोल बज रहे थे। ये काफी स्लिपरी है बट स्टेप्स हैं बने हुए तो ये काफी सही चीज है। इनक्रेडिबल बिहार। बहुत खतरनाक रास्ता है, रात में तो आने लायक एकदम जगह नहीं कि पूरा रात हो चुकी है। आप चारों तरफ देखिए पूरा अंधकार है। वीडियो के बनाने के चक्कर में, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ऐसे हमें भी देखना था, पर ये एक पंथ दो काज हो गई कि हमने बनाया। आप हो सकता आप लोगों को उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। देखिए कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जोर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टेप्स कटे हुए हैं सारे, तो स्टेप्स पे ही चलना बेहतर है। बराबर यार, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया टोटली, बहुत इनक्रेडिबल। अब लास्ट में बड़ा बड़ा स्टेप आया है, थोड़ा ऐसा ये स्टेप ऊपर तक रहता तो खतरनाक नहीं रहता, लेकिन जो है मजा आया वो भी अंधेरा में। साथ में हमें रास्ता में छोटे छोटे वो पत्थर मिले जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की मात्रा ज्यादा है जिससे लोहा बनता है। इसी लोहे के चलते मगध साम्राज्य में जो जितने भी राजा हुए काफी ज्यादा ताकतवर हुए। आपको अंधेरा में तो क्या दिखा सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक फोटो यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए यही हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट इसमें दोनों मात्रा इसमें रहता है। अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स देखिए, मेरे दो पैर रखने के बाद भी दो पैर और रखने की स्पेस है। एंड वी आर डन। पहाड़ खंड हाँ तुम्हारे लिए किया। हाँ बहुत पकड़े, इनाम दे दो उसे ना। अब क्या ऊपर जाओगे? हाँ, मैं चलेंगे। ठीक है संभल के जाना, ऐसे तो तुम लोगों का काम ही होगा रोजाना। ऑल द बेस्ट भाई, बढ़िया से फिर आएंगे कभी तो मुलाकात होगा। सुनसान रास्ते पे डंटा लेके हम निकले, देर तो हो गई है बहुत पर रात्रि होने वाली है, मगर चलते रहना है। अंकित पैर कांपता है, डर लगता है, डर को भगाना है, जल्दी घर पहुंचना है, फिर फोटो देख के सो जाना है। गुड नाइट बोल के। यस गुड नाइट, बाय।